प्रदेश के हरदोई में विभिन्न मांगों को लेकर 102 व 108 एम्बुलेंस चालक व कर्मचारियों की चल रही है बेमियादी हड़ताल, दूसरे दिन भी जारी है। जिले भर की एम्बुलेंस का पहिया थमने से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में तीमारदारों भारी दिक्कतों से जूझना पड़ा है। किसी मरीज को निजी वाहन तो किसी को ठेलिया ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया है। हड़ताली कर्मचारी मनोदय बढ़ोतरी, समान कार्य के लिए समान वेतन निकाले गए पायलट व ईएमसी की बहाली के साथ पायलट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब अभी प्रति माह मानदेय दिया जा रहा था, अब मरीजों की संख्या के आधार पर मेहनताना तय करना गलत है। एम्बुलेंस के चालक कर्मियों की हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवाओं पर नजर आया। मरीजों को अस्पताल लाने के लिए लोग काफी परेशान हुए। निजी वाहनों, ठेलियों, ई रिक्शा पर मरीज अस्पताल पहुंचाए गए। जिले के ग्रामीण अंचलों में भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर दिखाई दिया। मरीज व तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल सर 23 तारीख से चल रही है और हड़ताल इसलिए सर कि पायलट प्रोजेक्ट बंद किया जाए, हम लोग का जो शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, 400-300 किलोमीटर दूर से लड़के पड़े हैं उनका ट्रांसफर किया जाए, सैलरी 4 से 5 महीने में आती है सर, और पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको बंद कर होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफर के जो हमारे बंदे निकाले गए हैं उनकी वापसी की जाए, और हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आप फर्जी केस नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और सैलरी में 12% का इंक्रीमेंट लग के हमारा मतलब लिखित में मुझे चाहिए कि 12% इंक्रीमेंट लग के आपको मिलेगा। बताइए अभी कल से लेके अभी तक कई आकस्मिक मरीज जो है जी उनकी मौत भी हुई है और वो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहना है आपका? उसका जिम्मेदार जीवीके कंपनी और शासन है सर, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं सर, समस्या नहीं है, उसका खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जीवीके कंपनी खुद जिम्मेदार है सर उसके लिए। स्वास्थ्य सेवाएं काफी बाधित है और हम लोगों की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो इनकी मांगे हैं सरकार उस पर विचार करे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी मांगों को पूरा करे और स्ट्राइक जल्दी से जल्दी खत्म हो जिससे जनता को जो असुविधा ना हो। किस तरह से क्या लोगों को असुविधाएं हो रही हैं? असुविधाएं हो रही हैं कि जो एम्बुलेंस चलती है उसमें ड्यूटी के आवर्स कोई फिक्स नहीं है, काम बहुत ज़्यादा पड़ता है, इन लोगों को जो काम पड़ता है जिस हिसाब से उस हिसाब से इनका वेतन नहीं मिलता, समय से वेतन नहीं मिलता है, तो काम के कुछ घंटे जो है नियमित हो। इस स्ट्राइक से आम जनता को क्या आम जनता को बहुत जो है असुविधा हो रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो वो नहीं पहुँच पा रहा अस्पताल जो है, कहीं डिलीवरी है तो वो नहीं पहुँच पा रही है अस्पताल को जो है, या कहीं से ट्रांसफर करना है अस्पताल से दूसरे अस्पताल को तो हमारे नहीं पहुंच पा रहा है जी। क्या लगातार कॉलें आ रही हैं आपके पास? अभी हमारे पास तो कॉल नहीं आई है, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है उनके पास आ रही होगी कॉल जो है, तो इसके वो हैं, हमारे पास अभी नहीं आई कहीं से शिकायत की यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए, क्योंकि सीमो साहब के पास नंबर है और यहाँ एचआर जो है उसको देख रहे हैं, उनके पास आती शिकायत बहुत तेज। अब हम एम्बुलेंस को फ़ोन करो, कल से हम 8 बजे फ़ोन कर एम्बुलेंस का अभी तुम्हारी सहायता करी है भाई, सहायता करी क्या, फोन काट काट के आ रहा था, फोन लगाओ सवेरे लो हम इंतजार करते ना ही आई, हमें करीब हेल्प कर हम किसी को प्राइवेट बाहर ना कर पाए, टेम्पो पर हम ले आए नवाज चौराहे और नवाज चौराहे फिर फोन से हमने छोटे वालों ऑटो पर वही ले आए, उसके बाद अस्पताल से बाहर से हम कन्हैया बैठा ले आए, हम इमरजेंसी में यहाँ भर्ती करवे के लिए पर्चा बनवाओ आए इमरजेंसी डॉक्टर पर, कहे हमने कि हमारा मरीज काफी ज्यादा है देख ले, डॉक्टर ने फटकार तो हमें वो पीडी माप दिखाओ जा करके। एम्बुलेंस नहीं मिली थी क्या? नहीं भैया, फोन किया आई नहीं। कितनी बार फोन किया था? 2 बार फोन किया था। क्या नाम है आपका, कौन सा मरीज है आपका? अलटा नाम है मरीज का, मेरा नाम नीरू है। कौन है आप मरीज का? मरीज के कौन है आप? माफिया। देखिए स्टेट लेवल की स्ट्राइक है एक्चुअली, और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कॉल्स भी आ रही हैं और पेशेंट्स भी हैं जो परेशान हो रहे हैं, और हम लोग किसी तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमारी हमारे पास साधन है, जितने संसाधन है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगहों पे स्ट्राइक हो गया है पूरे प्रदेश लेवल पे, तो ये थोड़ी सी समस्याएँ आ रही हैं, हम लोग पेशेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अपनी कुछ सर्टन मांगे हैं जिनमें एक दो की बात इन्होंने की पायलट प्रोजेक्ट की, जिसके लिए हमने बात की वहाँ पे, तो ये हुआ कि ठीक है हम उसका सलूशन आपको दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि जो हम इमीडिएट जिनका निवारण नहीं कर सकते, उसके लिए इन लोगों के पास में हमारे एचआर हेड साहब ने, हमारे जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने अलग से एक श्रम आयोग को चिट्ठी भी लिखी, उन लोगों को मिलने के लिए बुलाया है, हो सकता है ये लोग 1-2 घंटे के अंदर वहाँ पर मिलने के लिए जाएँ और कुछ सलूशन निकल के आए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden,
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।